गीता बहन, अरे ओ गीता बहन, चांद निकलने वाला है, चांद को अर्घ देकर करवा चौथ का व्रत तोड़ना है, चलो जल्दी। आप लोग चले, मैं बस अभी आई। अच्छा नमस्ते। नमस्ते, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, किससे मिलना है? जी आप ही से। मुझसे? जी ये खत। ये किसका है? खुद ही पढ़ेंगी तो जान जाएंगी। नमस्ते। गीता 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 गीता। मैं जानता हूं तुम रो रही हो, मेरी तो बड़ी छोटी सी कहानी है गीता, जो मेरी जिंदगी से शुरू होती है और तुम्हारी जिंदगी पर आकर खत्म हो जाती है। आज सत्यदेव अपनी गीता से मिलना चाहता है, काले टीके में नहीं लाल टीके में देखना चाहता है। विश्वास करो, जब तक सत्यदेव जिंदा है, ये विश्वास का लाल टीका तुम्हारे माथे पर हमेशा चमकता रहेगा। बोलो, लाल टीका लगाओगी ना? हनुमान जी के बड़े मंदिर पर तुम्हारी राह देखूंगा, अपने सुहाग से सुहागन बनकर मिलने आना। आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैंने तुम्हें आंसुओं के अलावा दिया है क्या? जब बिछड़े थे तो आंसू, आज मिले हैं तो आंसू। आंसुओं का रिश्ता यादों से होता है और यादों का अपनों से। आज तुम भी तो रो पड़े। गीता, तुम लाल टीका लगाकर आ गई, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे भी तो मेरा सत्यदेव मिल गया। मैं वचन देता हूं गीता, अब सत्यदेव इस माथे पर कभी कलंक का टीका नहीं लगने देगा, कभी नहीं। साहब यहाँ जरूर दाल में कुछ पीला है। हाँ।
देखो साहब, सत्या कभी झूठ नहीं बोलता। यह सच है कि मैंने आपका माल लूटा है, अपने भाई से कहकर आपका माल पकड़वाया भी है। लेकिन संस्कारी परिवार के बच्चे होकर पिता समान आदमी को अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? जो खुद बेघर हो वो दूसरे को घर में क्या बुलाएगा। खैर आइए। ये तस्वीर किसकी है? मेरी माँ की। लेकिन ये तस्वीर कुछ अधूरी सी लगती है। इसी अधूरेपन में तो मेरी माँ का सुहाग छुपा हुआ है, और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए सत्या अपनी जान भी दे सकता है। ये तुम्हारा वादा है? ये मेरा वचन है। हाँ बेटा, मैं ही हुआ भागा बाप हूं जिसे भगवान ने चांद और सूरज जैसे दो रतन दिए, लेकिन 20 साल तक मैं उन्हें गले से लगाने के लिए तरसता रहा बेटा। पिताजी, चल बेटा, मुझसे भी दादा, तेरी मां को तेरा इंतजार है। चल। मैं देखती हूं। बेटा 4 दिन बाद घर आया है, तो ये आओ भगत, पति 20 साल बाद लौटा है तो कोई उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कह रहा। आइए। अरे कौन है माँ? इस घर के दहलीज पर पाँव रखने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाइए यहाँ से। अरे बड़े सुनिए। माँ तो इस आदमी को नहीं जानती। इसकी रग रग को तो मैं पहचानता हूँ, और अब मेरा शक पूरे यकीन में बदल गया है। माँ, ये तो वही शख्स है जिसकी गिरफ्त में फंसकर हमारा सत्या गुनहगार बनाया। माँ, बड़े। माँ, ये वही शख्स है जिसने 20 लाख रुपए में हमारे घर के मान सम्मान को खरीदने की कोशिश की है। ये वही शख्स है जिसने मेरे पिता के मान को, मेरे पिता के संस्कारों को, उनके ऊंचे आदर्शों को खरीदने की कोशिश की है। अरे माँ, ये तो वो हैवान है जिसका बीज जहाँ पड़ जाए वो हरा भरा खेत भी सूख कर बंजर बन जाता है। और ये वो बीज है जिससे आज तेरा वजूद है। और सुन, ये वो अमृत है जिसने अपना बलिदान देकर तेरे भाई को और मुझे जीवन दिया है। ये मेरे पति है, तेरे पिता है और मेरे भगवान है। ए माँ, देखा बड़े,
हमारी माँ हम दोनों से झूठ कहती रही कि हम दोनों उसकी दो आंखें हैं, मगर हकीकत में उसके मन मंदिर में सिर्फ एक ही इंसान की मूर्ति बसी हुई है और वो है पिताजी। भाई मुझे तो डर लगने लगा कि पिताजी के आ जाने से कहीं हमारी माँ हमसे दूर तो नहीं हो जाएगी। आज भगवान ने मेरी सारी खुशियां मुझे लौटा दी। अब मैं अपनी सारी दौलत दान में देकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप। तो ये दोनों लौंडे इसी के हैं, अब होगी लौंडा पच्ची सी। वाह धनिया पांडे, वाह वाह वाह, ऐसी खबर लाए हो कि अगर मैं किसी देश का प्रधानमंत्री होता ना तो तुम्हें कम से कम मंत्री तो जरूर बना देता। अरे शेषनाग भैया, गुरु घंटाल धनिया पांडे वो हथियार हैं। जब दुनिया के सब हथियार फ्लॉप हो जाएं तो धनिया पांडे काम आए। अब टाइम बर्बाद मत करो, तुम अपनी फिटिंग में लग जाओ और हम अपनी फिटिंग कर देते हैं। जय राम जी की। वाह, 20 साल के बाद आज सत्यदेव फिर मेरी पकड़ में आ गया है। अब तू देख तकदीर का तमाशा।